अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की रेसिपी है हलीम, जो कि बीफ की हलीम मैं बना रही हूँ। आप चिकन की भी बना सकते हैं। लेंगे मसूर की दाल, मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल, अगर आप डालना चाहें तो डालें, मुझे अच्छी लगती है, और चना दाल। और ये दालें मैंने सारी जो है क्वांटिटी आपने इक्वल रखनी है। ये वाला जो एक बॉल है मैंने ये डाला है, ठीक है। उसके अलावा मैंने डाला है जनाब इसमें बारले, जिसे जौ कहते हैं, मुझे गंदम नहीं मिली तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। बेसिकली हमने लेस बनानी है। तो ये दालें सारी मैंने ओवरनाइट डिप करके रखी हैं हल्दी का पान, हल्दी डाल के, ठीक है। और इसी तरह बारले को भी मैंने डिप करके रखा, ठीक। इसमें गार्लिक पेस्ट है 2 टीस्पून और ज़ीरा भी है 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट मैंने 2 टीस्पून लिया, सूखा धनिया का पाउडर 3 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, ये मेरे पास अदरक का पाउडर है 1 टीस्पून, और जो मसाले हमने गरम मसाले पीसने हैं उसमें है जनाब, जो गरम मसाले हमें चाहिए उसमें है काली इलायची, दालचीनी, लौंग, जावैत्री, सब्ज इलायची, काली मिर्चें। ये मसाले हम एक साथ पीस लेंगे और ये बिल्कुल ऊपर से डालेंगे। उसके अलावा चाहिए हमें योगर्ट, प्लेन योगर्ट, नॉट स्वीट। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए कोरिएंडर लीव्स, ऑनियन जो कि हम ब्राउन करेंगे, लेमन, ग्रीन चिलीज एंड जिंजर। तो चलें जनाब प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। इसका जस्ट आपने कलर चेंज करना है, जब मीट का इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, कलर चेंज हो गया, अब हमने सारे स्पाइस डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करें। इस स्टेज पे अब हम योगर्ट शामिल करेंगे, योगर्ट को अच्छे से बीट करके फिर शामिल करेंगे, क्योंकि ये 2 kg है बीफ, तो मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून योगर्ट डालूंगी। 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। मीट अभी ये हो रहा है, इसे भी हम चेक कर लेते हैं ये कितना एक टेंडर हुआ है या नहीं हुआ। मसाले का कितना अच्छा कलर आ रहा है, उसे भी और कुक होने दें एटलीस्ट 40 मिनट्स इसे कुक होने दें। और अगर आपने कुकर में बनाना है, प्रेशर कुकर में, तो 4 विसल्स इनफ होंगे। दालें चेक करते हैं, दालें ये खुद ही इतनी ज़्यादा गल गई हैं, बस इन्हें कुछ और भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें और भी पानी जाएगा और जब मीट इसमें डाल के हम कंबाइन करके बनाएंगे, ये जब गरम गरम हो तभी आपने इन्हें पीसना घोटना है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखें
जी मीट तो बहुत अच्छे से ये गल गया, ये देखें। अब मैंने इसका जो सॉस है वो मैंने सेपरेट कर लिया है, क्योंकि मैं इसको भी इसको मैंने घुटना है। अगर आप इससे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम करते हैं और फिर इसको मिक्स करेंगे दालों के साथ। बहुत आसानी से ये हो रहा है, कुछ खास जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। देखें, तो अब हम ये जो मीट है जो हमने इसको देखें कूट लिया अच्छे से, इसको इसे हम शामिल कर देंगे दालों में। और मिक्स करेंगे, और जो हमने सॉस भी किया था सेपरेट वो भी डाल देंगे। इस टाइम पे आप इसमें पानी भी शामिल कर दें। अब इसमें मैंने पानी डाल के इसको और थोड़ा पकने के लिए रख दिया, ताकि सारे स्पाइस और दालें और मीट आपस में एकदम मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो इसको हैंड ब्लेंडर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। दिस हलीम इज़ रेडी नाउ, यू सी। सो अब हम ये जो मसाला है वो डालेंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। ये मसाला आपने पहले नहीं डालना, क्योंकि फिर हलीम बहुत ज़्यादा आपकी ना ब्लैक हो जाएगी। तो इसका कलर इसलिए ऐसा है कि इसमें मैंने छिलके वाली जो मूंग दाल है, मूंग की दाल वो डाली हुई है। यह जनाब हलीम की फाइनल लुक, और ये है हलीम के साथ इंग्रेडिएंट्स: ब्राउन प्याज, चाट मसाला, लेमन, जिंजर, ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर, धनिया।